फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, जिसमें आपको हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इंजीनियरिंग मेथड सी के लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि उसकी हाइपोथेसिस क्या होगी, यानी कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किन मान्यताओं पर आधारित है, ये हमें पता होना जरूरी। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि द वेरिएबल शुड बी डिस्क्रीट, दैट इज काउंटेबल। क्या होता है कि जो भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ते हैं वहां पर हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर डिपेंड किए जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DRV। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा हुआ है काउंटेबल। काउंटेबल मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कहलाएगी। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर है। सेकेंड पॉइंट है ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। हम यहाँ पर जितने भी ट्रायल करेंगे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पर हम कभी भी डिपेंडेंट ट्रायल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट से स्मॉल एन। उसको क्या करेंगे, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। जो भी ट्रायल होंगे यहाँ पर उसको डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। हम ये थोड़ा सा मान के चलते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे हम 20 से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 20 से ज्यादा लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम ट्रायल लेंगे वो फाइनाइट होना चाहिए और उनकी वैल्यू 20 से ग्रेटर देन ना हो। फोर्थ पॉइंट, इन एवरी ट्रायल ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। हमारे पास जो भी हम ट्रायल इंडिपेंडेंट ट्रायल करेंगे उसमें केवल हमारे पास 2 ही पॉसिबल आउटकम आना चाहिए, नंबर 1 सक्सेस और दूसरा फेलियर। ठीक है, नंबर 5 द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से कहने का मतलब ये है कि हमें अपना सोल्यूशन किस फॉर्म में चाहिए। जो वो हमसे आउटकम मांग रहा है वो हमारा सक्सेस कहलाएगा और उसका अपोजिट हमारा फेलियर कहलाएगा। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो पी से डिनोट की जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होगी वो क्यू से डिनोट की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का सम 1 होना चाहिए। ना ये हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने समय इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब हमारे मन में सवाल ये उठ रहा है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कैपिटल एक्स मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ध्यान रखिएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम शॉर्ट में DRV से डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल एक्स मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर को यदि स्मॉल पी और स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल एन मेरे पास नंबर ऑफ फाइनाइट ट्रायल है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिफाइंड एज दिस वन, PX(R) इक्वल टू NCR P^r Q^n-r। ध्यान दीजिएगा P^r से मतलब है स्मॉल r सक्सेस और n-r से मतलब होता है n-r, क्योंकि q को पता होगा तो हमने q को यहां पर फेलियर से रिप्रेजेंट किया होगा, तो n-r फेलियर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉर स्मॉल r सक्सेस इज डिफाइंड एज दिस मच, ऐसा भी इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास n की जो वैल्यू होगी 0 से n के बीच में ही होना चाहिए और वो भी आप देख रहे हैं कि यहां पर सारी वैल्यू जो है काउंटेबल। 0 को हम भले ही काउंट नहीं कर सकते लेकिन हम 0 को इसमें इन्वॉल्व रखते हैं क्योंकि हमने बोला कि हमारी कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिनका हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना होगा। अब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए देखिएगा यहां से मैं इसको नोट की फॉर्म में लिख रहा हूं।
पहला नोट हमारे पास ये है कि मान लीजिए अगर हमारे पास आर की वैल्यू 0123 एन अगर हम रखते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारे पास आंसर आएगा एन सी जीरो पी टू दी पावर जीरो और क्यू टू दी पावर एन माइनस जीरो यानी कि सिंपली क्यू की पावर एन। पी एक्स इक्वल टू वन पर हमारा आंसर आएगा एन सी वन पी टू दी पावर वन क्यू टू दी पावर एन माइनस वन। पी एक्स इक्वल टू टू पर हमारा आंसर आएगा एन सी टू पी टू दी पावर क्यू एंड क्यू टू दी पावर एन माइनस टू। और पी एक्स इक्वल टू थ्री पर हमारा आंसर आएगा एन सी थ्री पी टू दी पावर थ्री एंड क्यू टू दी पावर एन माइनस थ्री। अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं पी एक्स इक्वल टू एन पर तो हमारा आंसर आएगा एन सी एन पी टू दी पावर एन क्यू टू दी पावर एन माइनस एन। एन सी एन की वैल्यू होती है वन, दिस इज वन एंड दिस इज पी टू दी पावर एन क्यू टू दी पावर जीरो यानी कुल मिला के पी टू दी पावर एन। अगर इन सबको अगर हम ऐड करें, क्या करें हम इन सबको अगर हम ऐड करते हैं इन सबको हम ऐड करें एडिंग ऑल तो ऐसी कंडीशन हमारे पास आएगा x इक्वल टू जीरो x इक्वल टू वन x इक्वल टू टू अप टू x इक्वल टू n इक्वल टू दिस इज q टू दी पावर n एन सी वन पी टू दी पावर वन क्यू टू दी पावर n माइनस वन एन सी टू पी टू दी पावर क्यू एंड क्यू टू दी पावर एन माइनस टू अप टू दिस इज पी टू दी पावर एन। तो ये जो टर्म होती है बाइनोमियल का हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम यहां लिख सकते हैं क्यू प्लस पी की पावर एन। और हमने आपको पहले बताया कि क्यू प्लस पी की वैल्यू कितनी मेरे पास है यहाँ पे वन होती है तो इसका मतलब ये निकला दिस इज अ वन टू दी पावर एन यानी कि वन। यानी कि हम जितने भी यहाँ पर ट्रायल करेंगे उन सब इंडिविजुअल ट्रायल का सम जो होगा वो वन कहलाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा दिस इज अ पी एक्स इक्वल टू जीरो पी एक्स इक्वल टू वन पी एक्स इक्वल टू टू अप टू पी एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू वन। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे चल के हम इसे यूज करेंगे। ये मेरा फर्स्ट नोट है यहाँ पर। सेकेंड नोट हमारा है कि इस नोट को हम यूज कैसे करेंगे। मान लो हमें किसी क्वेश्चन में बोला जाता है प्रॉपर्टी हमें निकालनी है एटलीस्ट आर की। नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास कितने हैं एन है तो एटलीस्ट आर का मतलब क्या है। मान लो कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है 10। कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है 10 और मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे एटलीस्ट 3 निकालना है। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ 3 से लेकर n तक यानी कि 3 से लेके 10 तक। 3 से लेके 10 तक हम किस प्रकार से प्रिंट करेंगे x लेस देन इक्वल टू r। क्या लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू r यानी कि x लेस देन इक्वल टू 3। मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल मैं 3 से स्टार्ट करूंगा और n तक चलते जाऊंगा। यानी कि हम इस चीज पूरी चीज को हम यहां लिख सकते हैं p x लेस देन इक्वल टू r। तीसरा मेरे पास पॉइंट है प्रॉपर्टी एट मोस्ट आर। अब एट मोस्ट आर का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास अगर 10 ट्रायल है और मैंने बोला कि भाई मुझे एट मोस्ट 2 ट्रायल चाहिए। एट मोस्ट 2 ट्रायल का मतलब यह है कि हम स्टार्ट करेंगे 0 से और 2 तक लेके चलेंगे। यानी कि हमारे पास वैल्यू जो होगी 0 तक जाएगी 0 से स्टार्ट होगी और 2 तक हमारे पास मूव करेगी। तो ऐसी कंडीशन में उसको अगर मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो मेरे पास होगी x उल्टा लिख दिया दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू r और दिस इज x लेस देन इक्वल टू r।
यानी कि हमारे पास जो x की जो वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे 0 1 2 r, ठीक है। और इसमें हमारे पास वैल्यू के r से स्टार्ट होगी और वो n तक चलते हैं कि जहां तक हमारे पास नंबर ऑफ टायर्स दिए होंगे, तो इसका यूज हम इस प्रकार से करते हैं। तीसरा पॉइंट मेरे पास यहां पर ये है कि अभी हमने देखा कि q प्लस p की पावर n को अभी हमने लिखा था q की पावर n प्लस एन सी वन पी टू दी पावर वन टू टू दी पावर एन माइनस वन एंड दिस इज एन सी टू पी टू दी पावर टू क्यू टू दी पावर एन माइनस टू अप टू क्यू टू पी टू दी पावर एन, क्या लिखा हमने पी टू दी पावर एन। तो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में आर इक्वल टू जीरो से एन, और ये हमारा लिखाएगा एन सी आर पी टू दी पावर आर एंड क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला रहेगा, इसको समेशन फॉर्म में लिख देगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट यहाँ पर निकाल के लेके ना चाहूँ किस प्रकार से, मान लो अगर मैं यहाँ पर अगर n माइनस वन करना चाहता हूँ, इसी के अंदर मैं करना चाहता हूँ कि अब मुझे चाहिए q प्लस p की पावर n माइनस वन, क्या चाहिए q प्लस p की पावर n माइनस वन। तो q प्लस p की पावर n माइनस वन को अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखना है तो वो लिखूंगा r इक्वल टू वन से n एंड दिस इज n माइनस वन सी आर माइनस वन पी टू दी पावर आर माइनस वन और क्यू टू दी पावर एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन। देखिए कैसे, मान लो अगर हम क्यू प्लस पी की पावर एन की जगह एन माइनस वन लेके चलना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म में क्या मिलेगी क्यू की पावर एन माइनस वन। तो देखें यहाँ पे क्यू की पावर एन माइनस वन मिलता है कि नहीं मिलता, हम क्या करते हैं आर इक्वल टू वन यहाँ पर रखते हैं, कितना मिलेगा ये आर इक्वल टू वन रखेंगे कितना मिलेगा जिससे एन माइनस वन सी जीरो यानी कि वन p की पावर 1 माइनस वन यानी कि 0 यानी कि 1 हो जाएगा एंड q की पावर 1 माइनस वन यानी कि 0 यानी कि बचेगा q की पावर n माइनस वन। तो आप देखेंगे आपको फर्स्ट टर्म में यहाँ पर n माइनस वन मिलेगी। अगर हम लास्ट टर्म निकालना चाहते हैं क्या, इतने हमारे पास लास्ट टर्म आएगी हमारे पास p की पावर n माइनस वन, तो हम क्या करेंगे r इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे n, तो n माइनस वन r n माइनस वन यानी कितना हो गया 1 p की पावर n माइनस वन यानी कि n माइनस वन q की पावर n माइनस वन यानी कि 0 यानी कि 1। तो यदि हमारे पास q प्लस p की पावर n माइनस वन होगी तो हमारा समेशन जो है स्टार्ट होगा r इक्वल टू 1 से। और नेक्स्ट मान लो अगर हमारा समेशन में हम और चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दिस इज q प्लस p की पावर n माइनस टू। अब देखिए कि हमारे पास पावर कितनी है n माइनस टू है, तो हम क्या करेंगे हमारा समेशन लिख देंगे समेशन r इक्वल टू 2 से n एंड दिस इज n माइनस 2 सी आर माइनस 2 p टू दी पावर r माइनस 2 एंड q टू दी पावर n माइनस 2 माइनस r माइनस 2। तो जैसे जैसे यहां पर मैं वैल्यू यहां पर कम करते आ रहा हूं समेशन जो है मेरा आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी प्रकार से मान लो अगर हम थर्ड q प्लस p की पावर n माइनस 3 लिखना चाहते हैं तो हमारा समेशन होगा समेशन r इक्वल टू 3 से n और ये लिखाएगा n माइनस 3 सी आर माइनस 3 p टू दी पावर r माइनस 3 एंड q टू दी पावर n माइनस 3 माइनस r माइनस 3। तो हम इस प्रकार से अपने डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा यहां पर ये है कि अगर कहीं पर हमारा आर एन सी आर कहीं पर लिखा रहा है तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसका जो फॉर्मूला हमारा लिखा जाता है वो हमारा लिखा जाता है एन दिस इज एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अगर कहीं पर लिखते हैं हमें आर आर माइनस वन एन सी आर तो इसको हम लिखते हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको लिखाए जा रहे हैं और डेरिवेशन पर्पस से कि यदि क्वेश्चन के बीच में अगर आते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम और लिखना चाहते हैं आर आर माइनस वन आर माइनस टू एन सी थ्री से सॉरी एन सी आर से तो वो हमारा लिखाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू और एन माइनस थ्री और सी आर माइनस थ्री। तो ये हमने कुछ कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले यहां पर हमने कंसिडर किए होंगे।
इन चार पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। यहाँ पर एक शब्द और यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या होते हैं क्वेश्चन में कभी कभी हमसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा जाता है। तो जब भी अगर मैं किसी क्वेश्चन अगर मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारे कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं सेट की फॉर्म में। अगर हम ये बोलते हैं मान लो कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ स्मॉल एन ट्रायल, मान लो मेरे को बहुत सारे ट्रायल मैंने किए हुए हैं और उस पूरे सेट को मैंने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कैपिटल एन का मतलब क्या कहा जाएगा कि उन पूरे ट्रायल्स का सम। ठीक लगेगा, उन पूरे ट्रायल्स का सम तो मतलब कितने हमने ट्रायल वहां पर किए। मान लो हमने जीरो ट्रायल किया, हमने इसी बार नहीं किया, वन ट्रायल हमने 10 बार किए, टू ट्रायल हमने 20 बार किए, तो टोटल कितने ट्रायल हमने किए यहाँ पर पास है 3, 0, 1, 2 ऐसे करके हमारे पास। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इफ कैपिटल एन बी द सेट ऑफ स्मॉल एन ट्रायल्स then expected frequency is denoted by FE and FE equal to capital N into PX of R। ठीक है, अगर हम कहीं पर भी अगर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो हम क्वेश्चन में उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैपिटल एन हमारा कहलाता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको बताया कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम निकालना चाहेंगे, जिसमें हम तीन कॉन्स्टेंट आपको स्पेशली बताएंगे, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तीन कॉन्स्टेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिएगा कि आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि मीन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। यदि वहां पर हमें एक वेरिएबल एक्स दे दिया जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी यदि मुझे एफ दे दिया है, तो हम इन जनरल हम मीन का फॉर्मूला वहां पर क्या लिखते हैं, तो मीन इक्वल टू हमारा लिखा था है समेशन एफ इनटू एक्स अपॉन कैपिटल एन। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास जो एफ जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे सामने होते हैं। लेकिन अगर हम सेम यही फॉर्मूला अगर हम बाइनोमियल में यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास जो एफ और एन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर। यानी कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो होगा समेशन एक्स और यहां पर हम लिख देंगे दिस इज आर पी एक्स ऑफ क्या होगा हमारे पास, एक्स की जगह हमने आर यूज कर लिया और एफ की जगह हमने यहां पर पी यूज कर लिया। तो ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला होता है। तो हम ये सीखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है वो निकलता कितना है। ठीक है, देखिए द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज स्मॉल एन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन आर पी एक्स ऑफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सामने रिप्रेजेंट किया होगा। अब इस सम को आप ध्यान से देखिए कि जैसे हम r इक्वल टू जीरो यहां पर रखते हैं तो हमारे पास सम क्या होगी, r इक्वल टू जीरो पर फर्स्ट सम क्या होगी, जीरो मानी जाएगी, हो जाएगी। यानी कि एक्चुअली ये समीशन जो है जीरो से स्टार्ट ना होकर माना जाएगा कहां से, वन से। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, जैसे समीशन
आर इक्वल टू वन से एन, आर इक्वल टू वन से एन आर पी एक्स ऑफ आर। ओके, अब हम क्या करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को वहां पर हम पुट अप कर देते हैं। हमारे पास कितना लिखा है, दिस इज आर एन सी आर पी टू दी पावर आर टू टू दी पावर एन माइनस आर। ठीक है, आप देखिए कि मैंने अभी आपको कुछ बताया कि R into NCR का मतलब क्या होता है। मैंने आपको भी बताया कि अगर हमें R NCR को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज N N माइनस वन सी आर माइनस वन, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, ये दिस इज समेशन R इक्वल टू वन से N, दिस इज N N माइनस वन सी आर माइनस वन P की पावर R माइनस आर एन माइनस आर। क्या करा हमने, केवल R NCR की वैल्यू हमने यहाँ पर ऐसी कर दी। नाउ समेशन किस पे काम करना है, मेरे पास R पर, तो N क्या हो गया कांस्टेंट, मैंने N को निकाल दिया वहां, क्योंकि मुझे यहाँ पर R माइनस वन चाहिए तो मैं यहाँ पर P की पावर भी R माइनस वन लाना चाहता हूँ, तो मैंने P को भी एक बाहर निकाल लिया, तो अंदर मेरे पास आ गया समेशन R इक्वल टू वन से N N माइनस वन सी आर माइनस वन p to the power r minus 1 and q to the power n minus r। हम क्या देख रहे हैं कि p की पावर r minus 1 बन रही है, ये भी r minus 1 बन रही है, लेकिन q की पावर उस फॉर्म में नहीं लिखी जा रही, तो हम क्या करते हैं इस टर्म को भी एक अरेंज कर देते हैं। नाउ दिस इज एन पी समेशन r इक्वल टू 1 से n n माइनस वन सी आर माइनस वन पी की पावर r माइनस वन, और q की पावर को मैं यहां लिख देता हूं केवल एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, जस्ट हमने यहाँ पर वन को सब्ट्रैक्ट और वन को ऐड किया, और पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि यदि मेरे पास एन माइनस वन सी आर माइनस वन पी की पावर आर माइनस वन और क्यू की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन होगी, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लिखेंगे एन पी क्यू प्लस पी की पावर एन माइनस वन, और क्यू प्लस पी की वैल्यू मेरे पास होती है वन, तो एन पी वन की पावर एन माइनस वन यानी कि Only n, मेन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो np लिखाता है। क्या लिखाता है, मेन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज np। तो ये मेरे पास फर्स्ट कांस्टेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकंड कांस्टेंट यहां पर निकालेंगे किस प्रकार से, हम वेरियंस निकालते हैं, वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज बी इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन R square P x of R minus mean square। अब देखिए ये फॉर्मूला मेरा कैसे बन रहा है, उसको भी समझ लीजिए। स्टैटिक्स के अंदर अगर हमें वेरिएंस डिफाइन करना है तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, V equal to summation R square F upon capital N minus समेशन एफ अपॉन आर इंटू एन का होल स्क्वायर। आप देखिएगा ध्यान से, आर स्क्वायर है मेरे पास और मैंने पहले बताया कि हम एफ को यहाँ पर प्रोडक्टिव डेंसिटी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके समेशन एफ आर अपॉन एन जो होता है वो मीन कहलाता है, तो ये बन गया मीन, और इस पूरे को हमने यहाँ पर लिख दिया एफ यानी पी एक्स ऑफ आर। आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला भी वैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये हम इस प्रकार से हम उनको कोरिलेट कर लेते हैं कि हम किस प्रकार से मीन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है हम किस प्रकार उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम ऐसा नहीं निकालना चाहते तो हमें उसी प्रकार से फॉर्मूले को ट्राई करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है कि अब जब भी हमारे पास अगर आर स्क्वायर या आर क्यूब आता है या उससे बड़ी पावर आती है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। आर स्क्वायर को हम यहां लिख सकते हैं आर आर माइनस वन, कितना होगा मेरे पास अगर मैं आर स्क्वायर लिखना चाहता हूं, आर
आर माइनस वन तो कितना हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया माइनस, क्या लिखते हैं हम लोग माइनस आर, क्योंकि इस पूरे को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर ही हमें मिलेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिख देते हैं, दिस इज समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन, दिस इज आर आर माइनस वन प्लस आर पी एक्स ऑफ आर माइनस ऑफ मी स्क्वायर। अब इस समेशन को हम अलग अलग करके लिखते हैं ना, दिस इज आर इक्वल टू जीरो से एन, दिस इज आर आर माइनस वन पी एक्स ऑफ आर प्लस समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन आर पी एक्स ऑफ आर माइनस ऑफ मीन स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब इस टर्म को आप देखेंगे, जैसे हम आर इक्वल टू जीरो और वन रखेंगे तो ये टर्म मेरे पास क्या होगी, जीरो, यानी जीरो पे भी जीरो है और वन पर भी जीरो है। मैं इस पूरे समीकरण को ले सकता हूं, दिस इज जीरो प्लस जीरो, देन समीकरण एक्चुअली मेरा स्टार्ट माना जाएगा आर इक्वल टू टू से एन, एंड दिस इज आर आर माइनस वन पी एक्स ऑफ आर, और आप देखेंगे वापस हमारे पास ये बन गया मीन एम माइनस ऑफ एन स्क्वायर। ओके, नाउ समेशन आर इक्वल टू टू से एन आर आर माइनस वन पी एक्स ऑफ आर की वैल्यू मेरे पास है एन सी आर थ्री टू दी पावर आर टू टू दी पावर एन माइनस आर प्लस एम माइनस ऑफ एन स्क्वायर। आप देखिएगा कि मेरे पास आर आर माइनस वन एन सी आर लिखा रहा है, तो मैंने आपको भी पीछे बताया कि जब भी अगर आर आर माइनस वन एन सी आर अगर हमारे सामने आएगा तो उसको लिख सकते हैं हम एन एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। तो जितने भी आपको वहां नोट्स लिखवाए गए उनके क्वेश्चन को डेरिवेशन पर मैं यूज करना इसलिए वहां में आपको बताया गया है, तो हम इस पूरी टर्म को लिख सकते हैं इस प्रकार से। हम इस टर्म को क्या लिखें यहाँ पे, दिस इज समेशन आर इक्वल टू टू से एन, दिस इज एन एन माइनस वन एंड दिस इज एन माइनस टू सी आर माइनस टू पी की पावर आर एज इट इज है और क्यू की पावर एन माइनस आर भी एज इट इज है एन प्लस एन माइनस ऑफ एन स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमारा समेशन जो है केवल काम कर रहा है आर पर, इसका मतलब है कि एन एन माइनस वन मेरे पास हो गया कॉन्स्टेंट, तो इस कॉन्स्टेंट टर्म को हम निकाल लेंगे वहां। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने वहां निकाला, तो वेरियस इक्वल टू दिस इज एन एन माइनस वन। आप देखिए यहां पे मुझे आर माइनस टू मिल रहा है, तो पी की पावर मुझे अगर आर माइनस टू बनानी तो मैं क्या करूंगा पी स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं। मैंने यहां पे निकाला पी स्क्वायर को बाहर निकाला और मेरा समीकरण दिखाएगा आर इक्वल टू टू से एन एन माइनस टू सी आर माइनस टू पी की पावर आर माइनस टू और क्यू की पावर पे मैंने कुछ नहीं करा, क्यू की पावर मैंने ऐसे ऐसे, लेकिन हमें क्यू की पावर को भी आर माइनस टू और एन माइनस टू की फॉर्म में लिखना है। Now this is n or minus of n square. Now this is n square p square minus n p square. ठीक है? अब summation r equal to 2 से n n minus 2 c r minus 2 p की power r minus 2 और q की power पर हम केवल 2 और 2 को ऐड और 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, कितना मिलेगा हमें, दिस इज n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 प्लस m माइनस ऑफ n स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक ये टर्म है अगेन समेशन में कन्वर्ट होगी और हमको मिलेगा दिस इज n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस n p स्क्वायर और ये पूरी टर्म मिलेगी q प्लस p की पावर n माइनस 2 प्लस m माइनस ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अब q प्लस p कितना मेरे पास होगा 1, तो मैंने इसको 1 लिख दिया। नाउ दिस इज n स्क्वायर p स्क्वायर n p स्क्वायर एंड दिस इज 1 की पावर n माइनस 2
एंड दिस इज एन पी माइनस एन पी का स्क्वायर, ओके एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि हमें पता है कि मीन की वैल्यू हमने निकाली पिछले डेरिवेशन में एन पी, क्या थी हमारे पास मीन की वैल्यू एम इक्वल टू एन, ठीक है एन स्क्वायर पी स्क्वायर आपका कैंसिल हुआ, इन दोनों से कॉमन हमारा निकल रहा है एन पी, तो अंदर हमें मिलेगा वन माइनस पी, और हम जानते हैं कि पी प्लस टू जो होता है वन, टू की वैल्यू कितनी होगी वन माइनस पी, तो ऐसी कंडीशन में वन माइनस पी मेरे पास में आएगा क्यू, यानी कि वेरियंस हमारे पास आएगा एन पी क्यू, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरियंस होता है वो एन पी क्यू कहलाता है। आसान डेरिवेशन है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड हमारा इसमें कॉन्स्टेंट आता है, ध्यान देखेंगे मैं कॉन्स्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ सी ओ एन एस टी आर ए आई एन टी एस, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट हमारे पास वो टर्म होती है जिससे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ मेजरमेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिविजन। तो अगर आपने बायोमेट डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना केवल एक स्ट्रेट लाइन का खेल है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच छोटा सा रिलेशन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू बी, तो सिग्मा इक्वल टू लिखा आएगा दिस इज बी और बी की वैल्यू है मेरे पास एन पी, वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास कहलाएगा सिग्मा अंडर रूट एन पी क्यू। इस प्रकार से हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में लेक्चर्स के बारे में जरूर लिखें कैसा आपको लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा भी लिखिए, अगर आपको लगता है बुरा लगता है तो बुरा भी लिखिए, पास मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और भी डेरिवेशन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक पब्लिश हो चुकी है, दंपत राय पब्लिकेशन कंपनी से पब्लिश होती है, आप उसमें और भी देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।